समझ जाइए, अगर आप भी शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो शायद ये आपके साथ भी हो रहा होगा। सेहत से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ सय्यूम अंसारी। आपका शुभचिंतक होने के नाते आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। दर्शकों, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि US यूरोप में भी रिसर्च और स्टडीज से ये साबित हुआ है कि बाल झड़ने की समस्याओं का बड़ा कारण शैम्पू है। वो शैम्पू जो आपके घने बालों को चमकदार और सिल्की बनाता है, वही शैम्पू आपके बालों और आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि कैसे, तो मैं आपको इस वीडियो में शैम्पू पे मौजूद उन केमिकल्स के बारे में जानकारी दूंगा जो आपके बालों को गिरा रहे हैं और आपकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या शैम्पू से हेयर वॉश के बाद आपके बाल टूटने लगते हैं? तो इसका जवाब है कि कुछ बालों का टूटकर गिरना वो नॉर्मल है, लेकिन बालों के गुच्छे हाथ में आ जाना या फिर कंघे में आ जाना पूरा का पूरा, ये खतरे की घंटी है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि शैम्पू में मौजूद वो कौन सी हार्मफुल केमिकल्स है जो आपके बालों को गिरा रहे हैं और आपके सेहत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आपके शैम्पू के झाग का कारण सल्फेट है। झाग आपके बालों के लिए भी कोई अच्छा काम नहीं करता है, बल्कि वो आपके बालों से प्राकृतिक तेल छीन लेता है और आवश्यक प्रोटीन को तोड़कर बालों के विकास को रोक देता है। इससे बाल रूखे हो जाते हैं और फिर बाल झड़ने लग जाते हैं। सोडियम फ्लोराइड की रासायनिक संरचना आपकी बालों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। इसका उपयोग शैम्पू को गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो सोडियम फ्लोराइड आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जब एक शैम्पू में SLS और सोडियम फ्लोराइड दोनों होते हैं तो ये आपके स्कैल्प को और भी ज़्यादा ड्राई कर देता है, जो आपकी बालों के लिए नुकसानदायक होता है। किसी भी तरह का पैराबिड आपके बालों के लिए हेल्दी नहीं होता है। ये आपके स्कैल्प का रूखापन बढ़ाता है और आपके हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करता है। ये बालों के झड़ने को और बालों के विकास को कम करता है। अल्कोहल आपके स्कैल्प के प्राकृतिक तेल के स्तर को प्रभावित कर देता है और इसे रूखा बना देता है। ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए शैम्पू और अन्य हेयर उत्पादों में आर्टिफिशियल सुगंध का उपयोग किया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल सुगंध रसायनों से तैयार किया जाता है, जिससे कि कई समस्याएं होती हैं, जैसे कि एलर्जी, अस्थमा का दौरा, बालों का झड़ना आदि। और शैम्पू में मौजूद ये केमिकल्स जो आपको अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं आपकी बालों को नुकसान पहुंचा रही है। तो दोस्तों, ये कुछ केमिकल्स है जो कि आपके शैम्पू में होता है और ये नुकसानदायक होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा किसी बीमारी के लिए दवा का सेवन आपको और बीमार कर सकता है। अब भी देर नहीं हुई है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आप रूखेपन के शिकार हो रहे हैं, तो आप परेशान हैं बाल झड़ने की समस्या से, तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बने शैम्पू का इस्तेमाल करें। और एक ऐसा असरदार नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि है डीएक्शन का नेचुरल शैम्पू। ये शैम्पू अगर यूज करते हैं तो आपकी जो बाल झड़ने की समस्या है ये हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जितना भी मैंने प्रॉब्लम्स बताया, जितने भी केमिकल्स होते हैं मार्केट के शैम्पू के जो कि आप यूज कर रहे हैं, उससे बचना है अगर आपको, तो डीएक्शन का ये जो मैं शैम्पू आपको बता रहा हूँ ये प्योर नेचुरल है, 100% सेफ है आपके लिए। इसको अगर यूज करते हैं आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आपके बाल मजबूत होंगे, आपके बाल सिल्की होंगे, आपके बाल जो है वो स्ट्रांग होंगे और आप हेल्दी रहेंगे हमेशा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों, रखिए अपना ख्याल। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर बताएं अपने सवाल, अपनी सूचना हमसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर होऊंगा अपना एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू।